पाकिस्तान में फैमिली वी लागन के नाम पर गलीज धंधा अपने अरूज पर चल रहा है। ये लोग पैसा कमाने के लिए हर हद क्रॉस करते जा रहे हैं। इन सस्ते मरासियों के पास कोई कंटेंट होता ही नहीं, सिर्फ अपनी बीवियां और फैमिली दिखाकर और फजूल बकवास करके डॉलरों के लिए मरे जा रहे हैं। ये लोग सोशल मीडिया पर पूरी पूरी बेगैरती फैला रहे होते हैं, फिर कुछ अरसे बाद डॉलर आते ही उम्रा करने चल पड़ते हैं और सर पर टोपी रखकर सेल्फियां बनाकर सबको बता रहे होते हैं कि वो कितने नेक इंसान हैं। हैरानगी तो उन लोगों की सोच पर होती है जो इन थर्ड क्लास और घटिया लोगों के वीलॉग देख रहे होते हैं। इन थर्ड क्लास वीलॉगर को देख देख कर कई ऐसे लोग भी इस गंदगी में कूद पड़े हैं जिनके बारे में इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता, और वो भी अपनी शर्म हया और इज्जत एक साइड पर रख कर बेगैरती की तमाम हदें पार कर रहे हैं। इन लोगों के पास कोई भी काम की बात नहीं होती, सिर्फ व्यूज लेने के लिए अपनी फैमिली को शो करवा रहे होते हैं। ये घटिया लोग अपनी वीडियो वायरल करवाने के लिए यूट्यूब थंबनेल पर अपनी बीवी और घर वालों की तस्वीर लगाना कभी नहीं भूलते। ये ही इन लोगों का असल कारोबार है। अपनी फैमिली को कैश करवा कर ये लोग बेहयाई के तमाम रिकॉर्ड तोड़ते जा रहे हैं। पाकिस्तानी फैमिली वी लॉगिंग है क्या, जरा ये जानना भी हर पाकिस्तानी के लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहले वी लॉग शुरू करते ही, हेलो जी, आज मैं अपनी बीवी को घुमाने जा रहा हूँ। सोचने की बात तो ये है, इसमें खास बात क्या है? तेरी बीवी है, तू घुमाने के लिए नहीं लेकर जाएगा तो क्या मोहल्लेदार लेकर जाएंगे? इसमें ढिंढोरा पीटने वाली कौन सी बात है? और लोगों को ये सब बताने का क्या मकसद है? मतलब कोई बेगैरती भी करनी है, सबसे पहले लोगों को जरूर बताना है। इनमें से तो कुछ बेशर्म लोग ऐसे भी हैं जो अपना बेडरूम तक सारी दुनिया को दिखा रहे होते हैं। इन वी लॉगरों को अगर यूट्यूब पर आकर खुली बेहयाई की इजाजत होती तो इन बेशर्मों ने अपने कपड़े फाड़ कर वीडियो बनानी शुरू कर देनी थी। डॉलर आने चाहिए इज्जत, गैरत और शर्म हया गई तेल लेने। अक्सर जब बंदा यूट्यूब ओपन करता है तो ऐसे ऐसे गलीज थंबनेल सामने आ जाते हैं, देखकर भी शर्म आने लग जाती है। कुछ आजाद ख्याल औरतों ने भी यूट्यूब को कारोबार बना रखा है और बेहयाई के तमाम रिकॉर्ड अपने नाम करती जा रही हैं। हैरानगी की बात तो ये है कि कई बेशर्म इस बेगैरती को भी फैमिली कंटेंट का नाम दे रहे होते हैं। यूट्यूब पर बैठे हुए कुछ ठरकियों को अपनी फैमिली दिखाकर कुछ जेल यूट्यूबर अपने आप को बड़ा वीलॉगर कहने लग जाते हैं। उनको इस बात का अंदाजा ही नहीं उनकी वीडियो किस तरह के लोग देखते हैं। आज ये लोग अपनी वीडियो में अपनी फैमिली को दिखाना खत्म कर दें, इनको कोई मुंह तक ना लगाए। बस ये ही इन लोगों का एक धंधा है जिसको ये लोग वीलॉग का नाम दे रहे हैं। किसी को भी इनकी बकवास से कुछ भी लेना देना नहीं। लोगों का ध्यान किसी और तरफ होता है और ये वीलॉग में छुपे हुए मरासी भी अच्छी तरह जानते हैं। जिनको ये लोग सब्सक्राइबर का नाम दे रहे होते हैं वो इसमें सब्सक्राइबर कम और ठरकी ज्यादा होते हैं। मैं अकेला नहीं, हर दूसरा बंदा इनकी बिगाड़ती दिखा रहा है और फैमिली वी लॉगर के अंदर छुपे हुए दलालों की असलियत सामने ला रहा है, जो चंद डॉलरों के लिए हमारे मुल्क को बदनाम कर रहे हैं और सस्ती शोहरत के लिए हर बेगैरती करने पर तुले हुए हैं। इनके वीलॉग का कोई सर पाँव नहीं होता, सिर्फ चंद तरसे हुए लोगों का मनोरंजन कर रहे होते हैं। इसी बात के साथ आपसे इजाजत चाहता हूँ, दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे मजीद बोलने का मौका दीजिएगा। वस्सलाम, अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।